कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद की खूब चर्चा है। ये प्रत्याशी जोगचंद एक वोट और एक नोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद का जनसंपर्क जोर शोर से चल रहा है। गैस की टंकी इनका चुनाव चिन्ह है। ये गांव गांव गैस की टंकी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। हर व्यक्ति से एक नोट एक वोट की मदद ले रहे हैं। जोगचंद 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे जगदीश देवड़ा से ये अपना मुकाबला बता रहे हैं। ग्रामीण अंचल में इनकी अच्छी पकड़ है। इनका वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को टक्कर देना बड़ी बात है। जोगचंद कहते हैं, मैं जनता के भरोसे मैदान में हूँ। इस सीट पर कांग्रेस ने परशुराम सिसोदिया को मौका दिया है। मैं संतोष धनगर, इस वक्त हम मौजूद हैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से कांग्रेस के 2013 में प्रत्याशी रहे और वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुके श्यामलाल जोगचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोगचंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसा क्या माहौल है जनता का और क्या रुख है जनता का आपको विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर देखते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपने एक बात कही है कि निर्दलीय प्रत्याशी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हुई नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह कि ये बात मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ किसानों का, मैं प्रत्याशी हूँ मजदूरों का, मैं प्रत्याशी हूँ गरीबों का, मैं प्रत्याशी हूँ उन बहनों का जो खेतों में काम करती, घरों में काम करती है। उन्होंने मुझे खड़ा किया। मैं उन लोगों का प्रत्याशी जो युवाओं का, आज बार एसोसिएशन वालों ने, जो वकीलों ने, सारे लोगों ने मिलकर के मुझे समर्थन दिया और मेरा बुला करके अभी कोर्ट में स्वागत सत्कार किया। तो मैं उन लोगों का प्रत्याशी हूँ, आम जनता का प्रत्याशी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जनता मेरी तरफ से चुनाव लड़ रही है। एक एक रुपया इकट्ठा करके जनता जो है मुझे सहयोग कर रही है और मेरे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है जनता एक एक रुपया कर रही है। किसी घर में 5 रुपया है तो 5 रुपये कर रही है, 5 वोट है तो 5 रुपया कर रही है। एक नोट और एक वोट की अपील हम लोगों ने की है और ये चुनाव हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। इस बार जो मंत्री हर बार करोड़ों अरबों रुपए बांट करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, उनकी जो है वो नहीं चलेगी और इस बार जनता जीतेगी। क्या कुछ प्रमुख विज़न आपके जो हैं जनता के लिए, विकास के लिए, विकास को लेकर देखते हैं? बड़े विज़न है। हमारे क्षेत्र में यह हालत है कि डोडा चूरा में युवाओं को फंसा रखा है। 10,000 से ज़्यादा केस तो हमारे चल रहे हैं। 10,000 के आसपास युवा हमारे जेलों में बंद है। इस क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले सरकार के मंत्री ने जिस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी मचा रखी है, लोग भयभीत है, रात में सोते, किसी कभी भी पुलिस की गाड़ी आती है, रात में किसी को भी उठा के ले जाती है, घर में सोए हुए रजाई में से निकाल के ले जाती है, डोडा चूरा केस बना देती है। मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे जनता आशीर्वाद दे रही है और मैं जीतूँगा तो धारा 8/15 जो कि NDPS एक्ट की धारा है उसको हम तत्काल हटाने का प्रयास करेंगे और जब तक वो नहीं हटेगी तब तक वहाँ एक बोर्ड लगा देंगे कि NDPS एक्ट के फर्जी प्रकरण बनाना सख्त मना है। इसके साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जो आदमी आंतरी खुर्द में हम लोग खड़े हैं, यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो उसको कहते हैं झारड़ा रेफर करो, झारड़ा जाता है तो उसको कहते हैं पिपलिया मंडी रेफर करो, पिपलिया मंडी जाता है तो उसको कहते हैं मंदसौर, और मंदसौर वाले कहते हैं उदयपुर रेफर करो। स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं। मैं विधायक बनता हूँ तो 1 रुपये से 25 लाख रुपये तक का इलाज सरकारी हो या प्राइवेट वो मुफ्त करवाने का प्रयास करूंगा। इसके 2013 में कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी घोषित किया था और 2018 में फिर से नहीं किया और 2023 के चुनावों में कहीं ना कहीं लग रहा था कि आपको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है मैच फिक्सिंग है। 88% जो जनता ने सर्वे में मेरे पक्ष में कहा, ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारे हमारे वरिष्ठ नेता है उन्होंने मेरे से कहा कि 88% मेरे पक्ष में जनता ने कहा कि श्यामलाल जोगचंद को टिकट देना चाहिए। 20,000 से अधिक मेल लोगों ने यहाँ से आम जनता ने किए और उसके बाद टिकट कटना, मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती है, जो मैच फिक्सिंग होता है उस तरीके से मैच फिक्सिंग है। दोनों प्रत्याशी आपस में बैठ के लड़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम दोनों में से कोई भी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दो जने मिल के अगर किसी को मारे तो भैया तुम छुड़ाने दो तो गवाह तो दो, तो गवाही के लिए श्यामलाल जोगचंद खड़ा है। मल्हारगढ़ विधानसभा की जनता अगर आप पर विश्वास जताती है
तो क्या आप कांग्रेस को समर्थन देंगे या भाजपा को समर्थन देंगे, इस आगे की क्या रूपरेखा है? देखिए, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास जता रही है, और जैसा कि कांग्रेस को समर्थन देने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, गांधी परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राहुल गांधी जी को मैं फॉलो करता हूँ, प्रियंका दीदी को मैं फॉलो करता हूँ, सोनिया गांधी जी को अपनी माँ मानता हूँ, और मैं उस परिवार से अलग नहीं हो सकता हूँ। अब ठीक है, हम जैसे कितने अच्छा मकान बना लिया आपने, और अगर उसमें अजगर आके बैठ गया तो आप सो सकते हो, तो वो जब तक अजगर नहीं निकले तब तक तो हम बाहर हैं, और यहाँ की जनता अजगर को बाहर निकाल देगी, फिर हम घर में चले। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, कांग्रेस सरकार में 2 लाख खाली पदों पर भर्ती, 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए प्रतिमाह हर स्कूली बच्चे को, और हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ।